शासन उनकी रानी भी बोलते हैं। आसन के राजा जो है वो शीर्षासन है, आसन की रानी समांगासन है। ठीक है, इसके इसमें एक फायदा क्या होता है कि इसको हाई बीपी वाला भी कर सकता है, लेकिन शीर्षासन को हाई बीपी वाला नहीं कर सकता। समझ रहे हो, सर्वांगासन सभी को करना चाहिए। और इस आसन का जो फायदा होता है ना, कि हमारे वो सही होता है के ऊपर करता ही आसन। ठीक है, करने का तरीका, यहाँ से आप प्रॉपर लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं, सभी लोग पहले लेट जाएं, हाथ साइड में चलिए जमीन के साथ, यहाँ से दोनों पैरों के टो आपस में टच, घुटनों को टाइट से पहले 90 डिग्री ऊपर उठाओ। यस, उसके बाद हलासन, हिप को ऊपर उठाओ, पीठ के नीचे हाथ लगाओ, जितना नीचे लगा सकते हैं, दोनों हाथ आपस में जॉइन, उंगलियां आपस में मिली हुई, और धीरे धीरे पैर को 90 डिग्री ऊपर उठाने की कोशिश करें। दोनों अंगूठे आपस में टच पैरों के, और पैरों के अंगूठे को देखो, हाथ की चिन चेस्ट के साथ लगी हुई हो। ठीक है, विशुद्धि चक्र को जागृत करता है ये आसन। विशुद्धि चक्र मतलब हमारा गला, जिनको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, आसन बहुत बेस्ट है, बच्चों के लिए लंबाई बढ़ाता है बच्चों की ये आसन। बस थोड़ा सा खींचो बेटे, बॉडी को ऊपर को खींचो, वेरी गुड। कार्तिक हिप्स को दबाओ, वेरी गुड ईशान। शोल्डर्स के ऊपर, वेरी गुड। अर्शिका,